कैसी कितना मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय एक के जहाँ से दुर्योधन अपने उन नायकों के बारे में बताता है जो उसके जान देने के लिए तैयार हैं, उसे आगे का समझते हैं। तस्य सुनिहंतम कुरुवध्र पितामह सिंहनांद विद्नोशूद्र स्वाक्नु द्रद्रमो पृत्रवान। तब कुरुवंश के वृयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गजना की सी ध्वनि करने वाले अपने संघ को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। कुरुवंश के वृयोवृद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपने स्वाभाविक दयावंश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत ऊँचे स्वर से अपना संघ बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में सांख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्होंने उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तत्साणाख्य भयस पणवनक्र गोमुखा सह सेवा भयंतम सह शब्द सतमूलम भवते। तत्पश्चात सांख नगाड़े विगुल तूरी तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेश स्वर अत्यंत कोलापूर्ण था। तत् श्वेतयुक्ते महंती सन्दे स्थितो माधव पांडव श्वेप दिव्यो साकड़ो मदत्वंतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य संख बजाए। भीष्म देव द्वारा बजाए गए संख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के संखों को दिव्य कहा गया। दिव्य संखों के नाश से सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जस्तु पांडुपुत्रा येसा पक्षे जनानंद। जय सदा पांडवों के पुत्रों जैसे की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं और जहाँ जहाँ भगवान विद्वान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के सांख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा है कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। पांडजय हर्षिकेशो देवदंत धनंजय पांडवो द्रद्मो महासाक्र भीमकर्मा वकोदर। भगवान कृष्ण ने अपना पांडजय शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंडु नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को हृषिकेश कहा गया, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीवन उनके भिन्नात्र हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निविशोषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निवेशो कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देश करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर लें, और विशुद्ध भक्ति की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देश करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देश करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं, उदाहरण हैं। इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गोवा तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंदा कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएँ करने के कारण यशोदानंदन हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन का निर्देशन किया था। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ
संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की। इस प्रकार भीम बकोदर कहलाए, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के संघ को बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद है था। विपक्ष में ऐसा कुछ ना था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी, अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यह संदेश दे रही थी। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठर नकुल सहदेव सुघोष मणि पुष्को काश्यप परमेवास शिखणी च महारत घृष्ट घूमो विराटक्ष सात्यकृति साप प्राजिति द्रुपदो द्रोपेदायस सुरवसा प्रतिबीपते सुरबधु महाबाहु संड धम्भु प्रत कर्तपक। हे राजन, कुंती पुत्र तथा राजा दुर्योधन ने अपना अंत विजय नामक शंख बजाया है तथा नकुल और सहदेव ने सुघोध एवं मंडी पुष्पक शंख बजाए हैं। महान धनुधर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दृष्टगुण विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुरबधा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए हैं। संजय ने राजा धृष्टाष्ट को अत्यंत चतुराई से बताया कि पांडवों के पुत्र को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति शलाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था कि इस युद्ध महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तक अन्य पुत्रों तथा विश्व के अनेक देशों के राजा समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यही सारी दुर्घटना राजा धृष्टाष्ट के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहित किया दिया था। स घोषो धृतराष्ट्रा का हृदयानी व्यदार्थ नभक्ष पृथ्वी चेतम तुमुल्यो भयनुनादन। इस विभिन्न शंखों की ध्वनि कोहलापूर्ण बनी गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्द म्यान करती हुई धृष्टाष्ट के पुत्रों के हृदय को विद्युत करने लगी। जब भीम तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृष्टाष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण सभ्य पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।